अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज टेन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको नहीं मालूम कि उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, जिसका कोई विजन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अपनी डिसीजन मेकिंग खुद नहीं कर सकते, अपनी ज़ात के बारे में या अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले खुद नहीं ले सकते, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने काम को, अपने एक्शंस को ओन नहीं कर सकते, अगर आप वो इंसान हैं जो अपनी ज़ात में मौजूद कमियों को आइडेंटिफाई करके उस पर काम नहीं कर सकते, अगर आप वो इंसान हैं जिनका कोई टारगेट नहीं है, जिनका कुछ गोल नहीं है, जो अपने ऊपर गुजरने वाले हालात का इल्ज़ाम हमेशा दूसरों को देते हैं, जो अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं कर सकते, जो अपनी ज़िंदगी से कभी खुश नहीं हो सकते, जो हर टाइम डिफरेंट तरह के एक्सक्यूज़ेस और बहाने बनाते हैं, जो सच्चाई से भागते हैं, सच्चाई को फेस नहीं कर सकते, तो सॉरी टू से आप एक बेकार इंसान हैं। इन अदर वर्ड्स, आपके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एहसास ज़िम्मेदारी। अगर आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको अपने अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आनी है। इन अदर वर्ड्स, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके ज़िंदगी के क्या गोल हैं। टू बी रिस्पॉन्सिबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वॉन्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड अ गुड रेपुटेशन। एहसास ज़िम्मेदारी आपकी शख्सियत का वो पहलू है जिसकी वजह से आप दूसरों की नज़र में अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बनाते हैं। इसके अलावा आप अपनी ज़ात के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है, आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, आप एक कॉन्फिडेंट इंसान होते हैं अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। और वो इंसान जिसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी नहीं होती, जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नहीं पता, जिसको अपने फ़र्ज़ का नहीं पता, जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, जिसके कोई गोल्स नहीं हैं, अपने बारे में वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता या ले सकती, और हर वक्त अपने ऊपर गुजरने वाले हालात का इल्ज़ाम वो दूसरों को देते हैं, कुछ भी एक्सेप्ट या तस्लीम करने की ताकत उनमें नहीं होती, तो ऐसे लोग निकम्मे लोग हैं, नकारा लोग हैं, और ऐसे लोगों को दुनिया भी कुछ नहीं समझती, उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती। तो अगर आप एक वेल ग्रूम्ड और एक अच्छी शख्सियत के हामिल इंसान बनना चाहते हैं या बनना चाहती हैं, तो अपने अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करें, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आएँ। हदीस में भी आता है कि तुम में से हर एक राई है, यानी निगरान है, और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। All of you are guardians and all of you will be questioned for those under you. बेशक आप मर्द हैं, औरत हैं, वालदैन हैं, औलाद हैं, मियाँ बीवी, गर्ज़ के आपकी ज़िंदगी में अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है, आपके ऊपर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ़र्ज़ हैं, और उनके बारे में यू विल बी अकाउंटेबल, आपसे पूछा जाएगा और आपको जवाब देना होगा। दैट मीन्स कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद ना हो, जिसके कोई गोल्स ना हों, जिसके कोई टारगेट ना हो। बस ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का मालूम होना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए, हमें पता होने चाहिए कि हमारे ऊपर क्या फ़र्ज़ हैं और हमारे करने के क्या काम हैं। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी या एहसास ज़िम्मेदारी का क्या मतलब है? एहसास ज़िम्मेदारी का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ज़िम्मेदारियाँ मालूम होनी चाहिए कि आपके ऊपर क्या फ़र्ज़ हैं, क्या काम आपके करने के या ना करने के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले तो बीइंग अ मुस्लिम, हमारे ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारे क्या फ़र्ज़ हैं, उनका आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप जिस रिलेशन में हैं, आप वालदैन हैं तो आपके क्या फ़र्ज़ हैं, आप औलाद हैं तो आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इफ़ यू आर अ हस्बैंड तो आपके क्या फ़र्ज़ हैं अपनी फैमिली के ऊपर, अगर आप बीवी हैं तो आपके क्या फ़र्ज़ हैं। मीन्स के आपकी ज़िंदगी में जितने भी रिलेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए आपके ऊपर कोई ना कोई ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा आप जिस प्रोफेशन में हैं, आइदर यू आर अ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, या आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, तो बीइंग इन दैट प्रोफेशन आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मालूम होनी चाहिए। कुछ लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मालूम ही नहीं होती, या वो जानबूझकर नज़र चुरा रहे होते हैं। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मालूम होनी चाहिए कि बीइंग इन अ सर्टेन रिलेशनशिप और बीइंग इन अ सर्टेन प्रोफेशन आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, बीइंग रिस्पॉन्सिबल होने का ये मतलब भी है कि आप अपने एक्शंस को ओन करें, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ठीक है, अगर कुछ भी आपके साथ हो गया है तो उसका ब्लेम दूसरों को ना करें, बल्कि अपने एक्शंस को खुद ओन करें।
कुछ लोग होते हैं जो अपने ऊपर होने वाले हालात का इल्जाम हमेशा दूसरों को देते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा तो वक्त ही बुरा चल रहा है, या मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, या मेरी सास ने मुझे ऐसे कहा था इसलिए मैंने ऐसे किया, या अपने हस्बैंड की वजह से मैं ये नहीं कर सकी, या अपनी औलाद की वजह से मैं इस काम को टाइम नहीं दे सकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मीन्स के हम अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन नहीं करते, और अगर हमसे कुछ गलत हो जाता है तो हम हमेशा कोई ना कोई लेम एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं, किसी ना किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन अपनी गलती को कभी भी ओन नहीं करते, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, अपने एक्शंस को ओन नहीं करते। इसके अलावा अगर हमसे ज़िंदगी में कोई भी गलत फैसला हो गया है, या हमारी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं है, या हम किसी भी स्किल में लैक करते हैं, या हमें किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं है, तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हम करना ही नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल, बहुत सी लेडीज़ हमारी सोसाइटी में ऐसी हैं जो कि अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में फ़ैसले खुद नहीं ले सकती। उन्होंने अपने हस्बैंड के ऊपर या अपने इन लॉज़ के ऊपर ख़ुद को छोड़ा होता है, हालात के ऊपर ख़ुद को छोड़ा होता है, और हर वक्त वो हालात को ब्लेम करती रहती हैं, जबकि ज़रूरत क्या है कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल हों, अपनी ज़ात की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लें, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने हालात के बारे में खुद से डिसीजंस लें। लेम एक्सक्यूजेस बनाने और दूसरों के ऊपर फौरन से इल्ज़ाम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी ज़िंदगी को खुद ओन करें। अगर हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को ऑब्ज़र्व करें तो बहुत टाइम ऐसे होता है कि हमें डिफरेंट टास्क करने होते हैं, बट जब हम एक टीम में होते हैं, एज अ टीम जब हम काम कर रहे होते हैं, या जैसे हमारे घर में और भी लोग रहते हैं, या हम जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर और भी टीम मेंबर्स हैं, तो ऐसे हालात में हम खुद कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, हम हर काम से दूर भागते हैं, और हम जो है वो चाहते हैं कि हमें कम से कम काम करना पड़े, हम किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, और जो दूसरा इंसान है, द अदर मेंबर ऑफ द टीम, द अदर टीम मेंबर, वो ये काम करे, ठीक है। हम खुद से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम चाहते हैं कि हालात खुद बखुद बदल जाएँ, हमें कुछ ना करना पड़े, बेशक वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या बेशक वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। जैसे बहुत से हाउस वाइफ्स हैं, अगर वो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, तो उनको एहसास ज़िम्मेदारी अपने अंदर लाना होगा, अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने पड़ेंगे, अपने गोल्स को खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ख़ुद में कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, पहला कदम खुद उठाना पड़ेगा। दूसरों को इल्ज़ाम देना और फौरन से मुंह खोल के दूसरों के बारे में कंप्लेंट्स करना या लेम एक्सक्यूजेस देना बहुत आसान होता है, बट क्या मुश्किल होता है, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना, अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल करना और फिर उस पर काम करना। जैसे कि हम ख़वातीन अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम कर रही हैं, तो इमेजिन करें वो लेडी, वो खातून जिसके सोने का उठने का कोई टाइम नहीं है, जिसके दिन का कोई स्केड्यूल नहीं है, जिसको नहीं पता कि उसके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके घर की क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके ऊपर उसके हस्बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी औलाद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके अपनी ज़ात की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसका कोई किसी काम का कोई टाइम नहीं है, उसका जब दिल चाहे वो कुछ भी करे, जब दिल चाहे बाहर आए जाए, उसका घर मैस हुआ पड़ा हो और उसको नहीं पता उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको नहीं पता उसके हस्बैंड की क्या ज़रूरत है, उसको नहीं पता उसके ज़िंदगी में जुड़े हुए और रिश्तों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर हैं, जिसका घर निगलेक्ट हो रहा है, जिसके बच्चे, जिसका हस्बैंड, जिसकी ज़िंदगी में जुड़ा हुआ हर रिश्ता निगलेक्ट हो रहा है, जिसकी अपनी ज़ात निगलेक्ट हो रही है, तो सोचें कौन उनको मिलना पसंद करेगा, जिसकी अपनी ज़िंदगी मेस है उसकी क्या पॉजिटिव पर्सनालिटी होगी। सो बीइंग अ वुमन, सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप आइडेंटिफाई करें कि अगर आप बेटी हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन तो आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका हस्बैंड है, आपका घर है, फिर आपके बच्चे हैं, फिर आपसे जुड़े बाकी रिश्ते हैं, आपका प्रोफेशन है। इफ़ यू आर वर्किंग वूमेन तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करें और आप अपनी पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करें, एक की वजह से दूसरे को निगलेक्ट ना करें, ना आप पर्सनल लाइफ की वजह से प्रोफेशनल लाइफ को निगलेक्ट करें, ना ही आप प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल को निगलेक्ट करें। आपको बैलेंस मेंटेन रखना आना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आपने किस तरह से अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ तो भी हमारे यहाँ ये है कि जो हाउस वाइफ हैं वो खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करती हैं और वो समझती हैं कि उनका काम बस यही है घर का झाड़ू पोछा करना, घर के बर्तन धोना और मतलब घर के काम शॉर्ट बर्डन समझती हैं वो इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने घर को मैनेज करना, ठीक है। अब मैनेज किस तरह से करती हैं, खुद करती हैं, किसी से करवाती हैं या कैसे करती हैं, बट यू हैव टू डू इट, ठीक है। इसी तरह से अपने हस्बैंड की नीड्स को पूरा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने बच्चों
की अच्छी तरबियत करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होता है ना, तो उनकी बेस पे आप अपना सर्टेन टारगेट या सर्टेन गोल आप सेट करते हैं और उस पर आप काम करते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं दैट हाउ वी कैन बी रिस्पॉन्सिबल, हम अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेकर आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आप अपनी जिंदगी के गोल सेट करें। वही मैंने बात पहले की कि आप अपनी जिंदगी के गोल्स, अपनी जिंदगी का मकसद कब सेट कर सकते हैं, जब आपको पता हो कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो जो आपको आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करें और उनकी बेस पे अपने गोल्स को सेट करें, अपनी जिंदगी के मकसद को उनकी बेस पर सेट करें। और उन गोल्स को पूरा करने के लिए आपका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। अगर अभी आपसे नहीं हो रहा तो भी हालात पर खुद को ना छोड़ दें, बल्कि कोशिश करते रहें और किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को ब्लेम ना करें, बल्कि अपनी जिम्मेदारी खुद लें। और अगर आपसे अभी नहीं हो रहा या वो जो गोल आपने सेट किया है या जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपसे वो काम नहीं हो रहा तो भी कीप ऑन ट्राइंग, वन डे यू विल बी एबल टू डू दैट। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल होने के लिए आपका खुद पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। हैव अ सेल्फ कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। अपने थॉट्स के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, अपने यू नो टेम्पर के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि गुस्सा मुझे इस वजह से आ गया। आप ये नहीं कह सकते कि उस टाइम मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि इसने मुझे ऐसे कह दिया था। नो, आपका अपने इमोशंस के ऊपर, अपने थॉट्स और जो कुछ आप बोल रहे हैं उसके ऊपर आपका अपना कंट्रोल होना चाहिए। ये बहुत ही एक फेमस सेइंग है दैट नेवर लेट योर इमोशंस ओवरपावर योर इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके अलावा टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अपने अंदर एक्सेप्टेंस को पैदा करें, अपने हालात को एक्सेप्ट करें, अपनी जो भी कमियां हैं अपनी ज़िंदगी में उनको एक्सेप्ट करें, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें, अपने एक्शंस को एक्सेप्ट करें, ओन करें, अपने डिसीजंस को एक्सेप्ट करें, उनको ओन करें। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस लेकर आएँ, हमेशा दूसरों को ही ब्लेम ना करते रहें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक, मींस हर चीज़ का पॉजिटिव पहलू देखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। ठीक है, हर चीज़ का एक पॉजिटिव पहलू भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो आप पॉजिटिव पहलू पर फोकस कीजिए और उसी को देखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आपको अपनी ज़ात के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि येस आई कैन डू दिस, येस आई कैन डू दैट। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आइए, अपनी सेल्फ इस्टीम को बिल्ड कीजिए, अपने ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, अपना ट्रस्ट होना चाहिए, तभी लोगों को आपकी ज़ात के ऊपर भरोसा होगा, आपके ऊपर ट्रस्ट होगा। इसके अलावा बी कंटेंटेड विद योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी के साथ मुतमिन रहिए, आपके साथ जो हो रहा है उसी में सेटिस्फाइड रहें, क्योंकि आपको असल खुशी कब मिलती है, जब आपके अंदर कंटेंटमेंट होती है, जब आपके अंदर फुलफिलनेस होती है, जब आप अपने हालात से, अपनी ज़िंदगी से मुतमिन होते हैं। ठीक है, तो फिर आप हालात को कंप्लेन नहीं करते, आप दूसरों को कंप्लेन नहीं करते, आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर जो है आपने कंटेंटमेंट लेके आनी है, अपने हालात में खुश होना सीखिए। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप विलिंग हों, यू शुड बी विलिंग टू टेक योर ओन डिसीजंस। आप अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए विलिंग हों, अपनी ज़िंदगी का अख्तियार आप अपने आप को दें, अपने हाथों में आप अपने फैसले को रखें और इसके लिए खुद को काबिल भी समझें। ठीक है, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज एंड ओन योर डिसीजंस, ओन योर एक्शंस। Be responsible for your own self. Take ownership of your life. और जो लोग किसी भी चीज़ की responsibility नहीं लेते या लेना नहीं चाहते, वो हमेशा blame करते रहते हैं दूसरों के ऊपर। ठीक है, you did this, you did that, because of you, because of this. ठीक है, तो हमेशा वो किसी ना किसी चीज़ को, किसी ना किसी इंसान को blame करते रहते हैं। जब आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास खुद करते हैं, when you are a responsible person, तो आप कभी भी दूसरी चीज़ को या दूसरे इंसान को blame नहीं करते। इसके अलावा जो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, उनके अंदर एक डिनाइल भी होता है, यानी वो हर चीज़ से दूर भागते हैं, वो किसी भी चीज़ को फेस नहीं करना चाहते। ठीक है, एकदम से अपने डिसीजन से पीछे हो जाएंगे, एकदम से अपनी कही हुई बात से पीछे हो जाएंगे। और ऐसा इंसान जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो लेम एक्सक्यूजेज देता है, तरह तरह के बहाने बनाता है। इट हैपन्ड बिकॉज के आगे उनकी बहुत लंबी स्टोरी होती है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी ज़ात को वैल्यू दें, आपकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस हो, लोग आपके ऊपर अपना ट्रस्ट, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करें, तो आप अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आएँ, एहसास ज़िम्मेदारी लेकर आएँ। ओन योर डिसीजंस, ओन योर एक्शंस, ओन योर सेल्फ, ओन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी का मकसद, अपनी ज़िंदगी का टारगेट खुद सेट करें। बी द क्रिएटर ऑफ योर ओन मूवी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।